तो भारत में हाल ही में आई बाढ़ से बड़ी तबाही हुई है। इसके असर से करीब 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, ये दावा किया है एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट इकोरैप ने। और इसके मुताबिक पिछले 30 साल में अमेरिका और चीन के बाद हाल के हफ्तों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में बाढ़ की वजह से हुई तबाही पर अब एक रिपोर्ट में नुकसान का खुलासा हुआ है। एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट इकोरैप में कहा गया है कि इससे बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान हुआ है। इकोरैप के मुताबिक बाढ़ से देश भर में 10,000 से 15,000 करोड़ का आर्थिक नुकसान होने की संभावना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बाढ़ और बिपरजॉय तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से होने वाला जानमाल का नुकसान देश के लिए चिंता की बात है। 1990 के बाद देश को कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा है। इस दौरान अमेरिका और चीन के बाद सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदाओं का सामना भारत को ही करना पड़ा है। 1990 के बाद से भारत में भूस्खलन, तूफान, भूकंप, बाढ़ और सूखे की 764 घटनाएं हुई हैं। 1990 से 2000 के बीच देश में इस तरह की 402 आपदाएं हुई, जबकि 2001 से 2022 के बीच इस तरह की 361 आपदाएं हो चुकी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि हाल के वर्षों में इस तरह की आपदाओं में काफी इजाफा हुआ है, जिससे देश पर आर्थिक दबाव बढ़ा है। भारत को सबसे ज्यादा बाढ़ का सामना करना पड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में 41% प्राकृतिक आपदा की वजह बाढ़ है, जबकि दूसरे नंबर पर तूफान है। इससे होने वाले नुकसान से बचने के लिए लोगों के पास इंश्योरेंस भी काफी कम है। 2022 में दुनिया भर में प्राकृतिक आपदाओं से $275 अरब का नुकसान हुआ था, जिसमें से केवल $125 अरब इंश्योरेंस से कवर था। रिपोर्ट में इस इंश्योरेंस कवर को बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया गया है। 2020 में बाढ़ से कुल $7.5 अरब यानी करीब 52,000 करोड़ का आर्थिक नुकसान हुआ है, जबकि केवल 11% का इंश्योरेंस कवर था। इस रिपोर्ट में कोरोना महामारी का भी हवाला देते हुए कहा गया है कि पब्लिक हेल्थ और कारोबार जगत को इस तरह की आपदाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके लिए इंश्योरेंस सेक्टर और सरकार को मिलकर प्लान बनाने की जरूरत है। आदित्य किराना, आज तक। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा, हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।